देख के बहुत दुख लगा। हमारा पार्टियों का ओर से हम लोग ये परमेश्वर हेमरम जी और नंदू हेमरम जी को 1-1 लाख रुपया हम लोग देगा कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए और अपना ट्रीटमेंट करने के लिए। हमारा पार्टी का ओर से हम लोग दोनों परिवारजनों को 1-1 लाख रुपया दूंगा और कानूनी जो लड़ाई होगा आगे उसमें हमारा पूरा पार्टी ये दोनों परिवार का साथ देगा। सर, गोपीनाथपुर जाने से आपको रोक दिया गया, क्या कहेंगे इस पर? मेरा भी मालूम नहीं है, ऐसे मैं एक प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ। अगर मेरा प्रदेश में झारखंड का मुख्यमंत्री आते हैं मैं कभी मना नहीं करूंगा, इस जगह मत जाइए उस जगह मत जाइए। कल भी मेरा प्रदेश में हरियाणा का मुख्यमंत्री आ रहा है, जहां जाना है जाइए, लेकिन मुझको बोला गया है कि आप गोपीनाथपुर नहीं जा सकते हैं, किस लिए? बंगाल का ओर से और यहां से भी घुसपैठिया हल्ला कर सकते हैं। अगर देश का एक मुख्यमंत्री घुसपैठियों को डर से, अगर हम लोग अपने ही इलाका में जा नहीं सकता हूं, तो आप लोग सोच सकता है कि झारखंड का हालत कितना बिगड़ चुका है। लेकिन मैं जोर जबरदस्ती में जाना नहीं चाहूंगा, इसलिए मैं एक संवैधानिक पद में हूं, सरकार का कोई निर्देश होता है तो मानना मेरा धर्म है। लेकिन मैं दोबारा जरूर आऊंगा गोपीनाथपुर में और सरकार को मैंने जो करना है करूंगा कि आपको जो करना है करिए, लेकिन हमें गोपीनाथपुर आना है, मुझको दोबारा मैं आऊंगा। इस बार मैं सिचुएशन को देखते हुए मैं सिचुएशन को खराब करना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं गोपीनाथपुर दोबारा जरूर आऊंगा। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।